नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं एसके शर्मा हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ही पॉपुलर नागिन वाला सॉन्ग बीन ट्यून जिसमें बजती है, सारे गाने में बजती दिखाई देती है, जो कि फिल्म नगीना से है, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा और मैं नागिन तू सफेदा। ये ट्यूटोरियल मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, बस ये समझिए कि राग भैरवी पे आधारित है, जहाँ पर रे गा धानिश और कोमल लगते हैं और ओरिजिनल स्केल इसका ए है, ये ए ए माइनर। अब आप ये समझ लेना, ये अपना सामान मान लिया मैंने इसको, तो ये कहाँ पे होता है? अगर आप नहीं जानते होंगे, इंग्लिश में ए बोल दिया तो सभी लोग समझते हैं, 1 2 3 4 5 6 छठ में नंबर की वाइट की, वाइट बटन या वाइट नोट छठ में नंबर का, तो ये अपना ए माइनर स्केल। यहाँ से इसमें सुर कौन कौन से लगेंगे, ये धा लगेगा, कोमल धा, कोमल नी, ये लोअर ऑक्टेव के स्वर है, ये सा हो गया अपना, और ये रे कोमल, गा कोमल, और इसमें गा कोमल के साथ शुद्ध गा भी लगेगा एक आध बार, तो गा हो गया, और ये मा धा और ये नी, यहीं तक के सुर लगेंगे, और खासकर ये सा का टच होगा, नहीं यहीं तक लगेंगे, नी तक, सा तक तो नहीं आ रहा है, सा की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये अपना सा फिर ये होगा पार सप्तक वाला। तो सभी चार स्वर इसमें कोमल हो गए, रेगा धानी, तो सा मा और पा, ये तीन उसके बाद बचते हैं शुद्ध स्वर। देखिए बहुत ही लाजवाब सॉन्ग है ये, और अगर आपने इसको बजाना सीख लिया तो आप ये समझिए कि आप बहुत बड़े उस्ताद बन गए, कलाकार बन गए। तो वैसे तो इस जो गाना है, श्रीदेवी जी ने जो एक्टिंग किया इस गाने में और अमरीश पुरी ने बीन बजाई है, वैसे तो इसमें बीन ही बीन बजती रहती है, लेकिन पहले शुरू में कैसे बजता है? गाना माने स्टार्ट, जब स्टार्टिंग में यही बजता रहता है ये, लेकिन ये रिदम के साथ नहीं, वैसे ही अमरीश पुरी आते ही बजाता है, सीख लें तो भी जरूरी, और नहीं भी सीखे तो कोई बात नहीं, लेकिन मेन जो धुन बजेगी वो मैं आपको वो भी बताता हूँ इसका, इस जो मैंने अभी बजा के बताया ये कैसे बजेगा, सा
पेंशन तुम्हें हो गया सा के बाद दो मात्रा का ठहरा देना सा धा धा के बाद दो मात्रा का ठहरा और उस पे फिर सा पे वापस आ जाना सा के बाद दो मात्रा का ठहरा सा रे सा फिर रे पे एक मात्रा का ठहराओ और फिर सा पे आने के बाद फिर दो मात्रा का ठहराओ सा रे सा गा रे सा गा के बाद दो मात्रा का ठहराओ रे के बाद दो मात्रा का ठहराओ सा के बाद दो मात्रा का ठहराओ उसके बाद पा ग म रे इसमें ठहराव नहीं देना पा ग म रे म रे सा माँ के बाद थोड़ा धीमा हो जाना मा रे ए सा तो ये तो स्टार्टिंग में जो बीन बजाई है अमरीश पुरी जी ने वो बता दिया मैंने। उसके बाद में जब वो बीन बजाता है तो उसके बाद में वो घर से निकलती है जो नागिन है श्री देवी जी ने रोल किया है वो बाद बीन बजाता है तब वो नागिन ये धुन सुन करके निकलती है। जब वो आ जाएगी तब ये सॉन्ग बजेगा और सॉन्ग के साथ में फिर ताल बजेगी तो ताल के साथ जो बजी है वो मैं बताता हूँ। आपको सुर पता ही होगा आप मतलब आप कहीं से ही बजा लेना सुर आपको पता हो नहीं लगेंगे तो देखिए नंबर में क्या बजेगा
सा नी सा रे सा का सा रे रे गा सा, मतलब जो रे के रे गा सा जो बजाऊंगा रे गा सा, यहाँ पे टच होगा बिल्कुल रे रे सा जो बजाएंगे साथ में सा को रे, जो मैं रे सा बजाऊंगा साथ में टच है इसका कहाँ लगेगा गा कोमल गा का, देखना लगा पाए तो थोड़ा वो मेलोडी नहीं बनेगी, लेकिन लगाएंगे रे गा सा रे गा सा, वो रे दबाते हुए ही रे दबाते हुए आप जो है ना ये गा को दबा देना, ये वाला ये रे दबाया हुआ है गा को दबा के फिर एकदम से झटके से हो गया। वैसे इसका नोटेशन मैं आपको इस वीडियो के साथ में लिखित में मिलेगा आपको वीडियो के साथ, तो ये जो है ना सनी सा रे सा मा मा रे रे सा, ये धुन चार बार बजाना है। उसके बाद में चार बार बजाने के बाद में ये पा अपना मा गा। अब यहाँ लगेगा इसमें शुद्ध वाला गा मा मा गा मा मा गा मा मा रे मा रे सा, ये हो गया आपका। कैसे बताता हूँ एक बार, एक नंबर मैंने बता दिया, दूसरे नंबर पे बताता हूँ। एक नंबर म्यूजिक का बता दिया, अब दूसरा नंबर क्या था, पा दा नी नी दा दा पा मा मा पा धा धा पा पा मा मा गा, यहाँ लगेगा शुद्ध वाला गा, और फिर दोबारा कोमल वाला भी लगेगा मा मा गा मा मा गा मा मा रे मा रे सा, और बस इतना बजेगा यार। एक ये दूसरे नंबर की जो मैंने म्यूजिक की लाइन बताई है वो एक ही बार बजेगी, और ये चार बार बजेगी। उसके बाद देखो एक बार इसको म्यूजिक को फिर बताता हूँ। एक नंबर म्यूजिक सा नी सा रे सा गा सा मा मा रे रे सा, ये चार बार बजेगा, और फिर उसके बाद पा दा नी नी दा दा पा मा मा पा धा दा पा पा मा गा मा मा गा मा मा गा मा मा रे मा रे सा, ये म्यूजिक पूरा हो गया इंट्रो म्यूजिक। उसके बाद में इसका स्थाई शुरू हो जाता है, अच्छा लंबा हो जाएगा बहुत लंबा, नहीं तो मैं और बता देता आपको, मैं हालांकि ये रिटर्न में दे दूंगा आपको लिखित में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में अब आइए मैं अंत इसके स्थाई पे आता हूँ। तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा मैं दुश्मन तो मेरा सा,
उसके बाद में धा सा धा सा मैं हो गया सा धा सा कोमल धा है वो, तो आपको मैंने बता दी कि चारों सुर कोमल लगेंगे राग भैरवी के। सा धा सा मैं तेरी सारे तेरी दुश्मन गा 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 क्या हुआ मैं तेरी साधा सा मैं तेरी सारे दुश्मन गा 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 दुश्मन तू मेरा एक बार दुश्मन हो गया गा 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 उसके बाद दोबारा जो दुश्मन बोलना तो रे गा रे सा दुश्मन रे गा रे सा तू और फिर सा तू मेरा रे गा गा रे मेरा मेरा फिर से देखें मैं तेरी दुश्मन 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 तू मेरा दुश्मन जैसे देखना मैं नागिन तो सपेरा तीन बार आ है तो उस आ के लिए रे सा नी आ आ मैं नागिन तो सपेरा तो कहने का मतलब है में फिर आ जाता जन्म जन्म से तेरा मेरा बैर और रब्बा खैर जन्म 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 से पापा पापा पा जन्म पापा जन्म जन्म पापा पापा से पा तेरा मामा मेरा गारे गारे मेरा बैर बैर माँ माँ ओ रब्बा खैर ओ माँ माँ वो माँ प्रेस कर दो ओ रब्बा गारे रब्बा खैर सा ये हो गया क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में अब ये खत्म हो गया दो बार इसको गाने के बाद में जो स्थाई को दो बार गा दिया मैं तेरे दुश्मन दुश्मन तू मेरा मैं नागन तू सफेरा इसको दो बार गाना और उसके जन्म जन्म से तेरा मेरा बैर और रब्बा खैर इसके बाद में फिर वही आ जाता है मैं तेरे दुश्मन दुश्मन तू मेरा इसके बाद में फिर म्यूजिक बजेगा फिर म्यूजिक कैसे बजाना देखना वही सेम म्यूजिक जो मैंने ऊपर एक नंबर बताया था वो दो नंबर वो एक नंबर अब यहाँ पे दो बार ही बजेगा पहले चार बार बजाता है देखना कैसे बजेगा सा सा नी सा रे सा रे गा सा मा मा रे रे सा एक बार ये बजेगा कैसे ऊपर बताता दो बार बज गया ये लाइन सेम ही है उसमें कोई चेंजिंग नहीं उसके बाद में एक बार ही बजेगा पा द नी नी दा द पा मा मा प धा दा पा पा मा गा मा मा गा मा मा गा मा मा रे मा रे सा ये वो बजाने के बाद फिर
को बदला मैं बस लूंगी, छोड़े छोड़ना मुझे को। इसका क्या हुआ? बदला पापा माँ माँ मैं बस पापा लूंगी, मांगा छेड़ छेड़ पापा माँ छेड़ ना गा छेड़ ना मुझको रे 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 मैं रेनी मैं डस गर गर लूंगी सासा। तो ये लाइन दो बार गाने के बाद में फिर आएगा। जंतर मंतर जादू टोने सिर्फ यही गादा गाना है जादू टोने तक। गा 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 जंतर गागा से हो गया जंतर मंत्र गागा जादू गागा टोने गागा टोने ये तो मेरे ये तो गापा ये तो मेरे मागा खेल रेसा खिलौने सा सा सा। यहाँ तक हो गया। उसके बाद में सा सादा सा सादा सा मुझ मुझ पर सा से हो गया पर रेगागा चलेगा रेगागा ना रेगा रेसा जोर तेरा सा रेगागा मैं रेगा मैं नागिन रे सा रे तू गा रे सा गा सफेदा आ रे सा मैं नागिन तू सफेदा। ये सेम जो है ना जैसे मैंने बताया था आ मैं नागिन तू सफेरा सफेरा उसको तीन बार आ है तो रेसानी हो गया था रेसानी नीसा मैं नागिन सारे तू सफेरा रेसा सा। दोस्तों आज का ट्यूटोरियल इतना ही है और मैं इसके साथ में इसका आपको नोटेशन भी दे देता हूँ। तो जो मैंने बताया वो नोटेशन के जरिए आप कंफर्म कर लेना और सही रहेगा। उसके बाद में दूसरा तीसरा अंतरा भी इन्हीं लाइनों पे बजेगा। कोई डिफ़िकल्टी नहीं, बहुत सिंपल है। और फिर भी कोई परेशानी हो तो आप मेरे को बता सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। दोस्तों बहुत अच्छा गाना है, ऐसे गाना आपको आना चाहिए। एक ये गाना रहा तो आप बजाएंगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगा लोगों के, बहुत अच्छा कलाकार है। इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोस आप तक सबसे पहले मिलें। ओके नमस्ते दोस्तों, हैव अ नाइस डे।